कहा है, लेकिन दूसरा है आपका यूई जो जिसने $1 बिलियन एडिशनैलिटी अभी कही है। तो ये आपके इस वक्त इनफ्लोज आ रहे हैं और आपको मालूम है कि आपके जो रिजर्व वो डिक्लाइन कर रहे हैं, अब 4.3 बिलियन पर पहुंच गए हैं। आपको पेमेंट्स के लिए और पैसे चाहिए होंगे। आपने क्या किया है कि इसकी वजह से आपने जो अपने ये जो अलसीज वगैरह सारा कुछ जो है रोका हुआ है, उससे जो है वो स्ट्रीट्स में प्रोटेस्ट हो रहा है, मतलब जो जिनको जिन लोगों का सामान बाहर पड़ा हुआ है, मतलब डॉक पे पड़ा हुआ है, वो उसमें डैमरेज लग रहा है और वो डैमरेजेस इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं कि असल प्राइस से ज़्यादा डैमरेजेस होते जा रहे हैं। तो वो अभी मतलब प्रोटेस्ट करने के लिए स्टेट बैंक के सामने वो जमा होना शुरू हो गए। दूसरी चीज, दूसरी तरफ से एक और जो खबर ठीक नहीं है और वो है कि आपकी रेमिटेंसेस डिक्लाइन कर रही हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन कर रही हैं। आपकी रेमिटेंसेस के कल नंबर आए हैं जो कि 19% जो डिक्लाइन कर गई हैं पिछले साल दिसंबर से, और आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो दिसंबर में 17% डिक्लाइन कर गए हैं पिछले साल से। तो ये ऐसे ही है कि किसी घर के बीच में अगर आपकी इनकम गिरना शुरू हो जाए तो ये जो इनवर्ड आपके डॉलर्स आ रहे हैं ये अगर गिरना शुरू हो गए और आप उसको डेट के साथ, मतलब आप कर्जा लेके उसको पूरा करना शुरू कर दें, तो कितनी देर तक आप कर्जा लेते रहेंगे? तो आपका एक ना एक दिन जो है वो बिल्कुल बैंक्रप्सी तो होगी। अब मैं अगर इसको इस तरीके से देखूं कि ये जो वजह इसकी क्या है, वजह इसकी ये है कि इकॉनमी जो है वो स्टैंड स्टिल पे आ गई। हमने आपकी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, आज भी मैंने देखा कि 3 फैक्ट्रियां तो बड़ी वाली बंद हो गई हैं। टेक्सटाइल वाले कह रहे हैं 5 से 7 मिलियन लोग जो वो बेरोजगार हो गए हैं, उनकी मतलब सैकड़ों जो है फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, और भी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। तो एक जब नेगेटिव ग्रोथ होगी इकोनॉमी में या स्टैंड स्टिल पे आ जाएगा तो ये तो वैसे ही होता जाएगा, क्योंकि आपने आपके कर्जे तो आपने देने हैं वापस, तो आपके पास इनकम नहीं आ रही और आपके कर्जे जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और आपने उसकी अदायगी करनी है। अब एक स्टेटमेंट दे दी थी डार साहब ने बैंक डिपॉजिट्स के बीच में, जिसको उन्होंने बाद में क्लेरिफाई भी किया, लेकिन इनको सोच समझ के ऐसी बातें करनी चाहिए। मुझे याद है कि 1998 में मैं अभी बैंक का प्रेसिडेंट था जब इन्होंने फ्रीज किए थे ये, और उसके बाद फिर 10 साल तक लोगों ने एतमाद नहीं किया था। और मुझे खुशी है कि डार साहब ने बड़ी एक कैटेगोरिक स्टेटमेंट दिया कि इसको इस तरह हम नहीं करेंगे। इसका एक और तरीका भी होता है, और मैंने 2 बैंक्स पे रन्स जो हैं वो मेरे वक्त में हुए, मुझे भी कुछ तकरीबन 50 साल हो गए बैंकिंग। एक यूई के बीच में जब गल्फ वॉर हुई थी तो उस दिन हमारे बैंक में, मैं सिटी बैंक में था, 1/3 हिस्सा जो था ना बैलेंस शीट का वो उड़ गया था। लोग आए थे, उन्होंने कोई मीलों की कतारें थी और उन्होंने डॉलर लेना शुरू कर दिया। हमने उसको कैसे हैंडल किया? हमने कहा ये लें, आपने डॉलर मांगे हैं, ये आपके हैं, ये लें, बाय द वे और भी आपके डॉलर पड़े हैं, वो चाहिए तो वो भी लेके चले जाएं। जब उन्होंने ये देखा कि यार ये तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, उन्होंने दूसरे तीसरे दिन वापस आके डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। आज हमने जब लोगों को रोक रहे हैं और उनको पैसे उनके नहीं दे रहे, तो मैं बैंकों को ये कहूंगा कि जनाबे वाला इस तरह करेंगे तो आप कॉन्फिडेंस लेवल लोगों का शैटर कर देंगे। आप जो वो मांगते हैं उनको दें ताकि वो फिर वही वापस लेके आ जाए आपके पास। ये एक दफा उधर हुआ था, एक दफा BCCI की वजह से बैंक्स पे रन हुआ था, तब भी यही हुआ था। तो मेरा ख्याल में ये इनको चाहिए कि ये अपना ये लोगों को ये डराएं नहीं, और ये जो है उनको जो पैसे उनको चाहिए वो दे दें। वो आप देखेंगे थोड़ी देर में ये सारा ये तूफान है ये थम जाएगा। अब चलते हैं इन्फ्लेशन की तरफ। आपने देखा होगा कि SPI कल आई है और वो आई है 32% पे, 31.75, ये 28% पे चली गई थी, 45% से गिर के ये 28 पे चली गई थी, ये वापस आना शुरू हो गई, ऊपर जाना शुरू हो गई। और ये CPI भी ऐसे ही हुआ है, वो भी वापस आना शुरू हो गई। तो इसका मतलब है जो इन्फ्लेशन है वो फिर से बढ़ना शुरू हो गई है। अभी तो इन्होंने IMF के वो जो कंडीशनैलिटीज हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि बिजली की कीमतें आप और बढ़ाएं, गैस की कीमतों में बहुत ज्यादा इंक्रीज करें, वो तो अभी आई नहीं है, और उसके बाद ये हशर है। तो हम ये समझ रहे हैं, जिसे हफीज पाशा भी एग्री करते हैं, कि
ये अगर आपका प्रोग्राम आ भी गया तो ये 35% तक तो चली जाएगी, और दूसरी चीज अगर नहीं आया तो ये इन्फ्लेशन 50% पे चली जाएगी। तो ये लम्हा फिक्री है आम आदमी के लिए। जो आम आदमी देख रहा है वो आटे की कीमत जो हम लोग छोड़ के गए थे को तकरीबन मतलब कंट्रोल तो 55 रुपए किलो थी, लेकिन 65 रुपए तक होती थी, वो आज 150-160 रुपए जो है वो किलो पे चली गई है। और यही हालात जो हैं वो घी के हैं और बाकी चीज़ों के हैं। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्री है, और हम ये चाहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि जो के मैं किया करता था हर हफ्ते 1.5 घंटे की मीटिंग होती थी, जिसमें ये फूड प्राइसेस वगैरह ये कमोडिटी प्राइसेस को हम लोग पूरे पाकिस्तान में हर प्रोविंस में क्या हो रहा था और उसकी जो एक कोऑर्डिनेशन हम करते थे। इस पूरे 9 महीनों में इन्होंने उसकी सिर्फ 2 मीटिंगें की हैं, मैं हर हफ्ते किया करता था। इसका मतलब है इनको इस चीज की कोई परवाह नहीं है कि आम आदमी के ऊपर क्या हो रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जो ड्यूरिंग दैट 1 ईयर जब मैं था, हमारी जो इंटरनल इन्फ्लेशन थी फूड इन्फ्लेशन उसको ऑलमोस्ट हमने फ्लैट करके रख दिया था। आप फिगर्स देखें कि जो मंथ टू मंथ फूड इन्फ्लेशन थी वो जीरो थी। तो इसलिए ये चाहिए इनको कि ये जनाब एहसन इकबाल साहब जो इसके इंचार्ज हैं कि वो हर हफ्ते बैठे कोऑर्डिनेट करें प्रोविंसेस के साथ, बिकॉज कई चीजें तो प्रोविंशियल हैं, तो उनके साथ करें। हम भी यही किया करते थे। तो इससे ये है कि कम अज कम ये जो चीजें एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल हो सकती हैं वो हो जाएंगी। दूसरा, ये रिलीज करें यार, ये दालें पड़ी हुई हैं उसके पोर्ट्स के ऊपर, ये बाकी जो अभी प्याज पड़ा हुआ है पोर्ट्स के ऊपर, इसको रिलीज करवाएं। इससे जो है लोग जो है अभी अंदाजा करें, रोटी जो बेसिक स्टेपल है वो जो है 150 रुपए की किलो हो गया। इसका मतलब है 15 रुपए की तो घर में आपकी रोटी पक रही है। और दूसरी चीज है कि जो प्याज जो है हमारे जो गरीब लोग हैं अपना देहातों में, वो रोटी और प्याज के साथ अपना गुजारा करते हैं, और प्याज आज 230 रुपए पे है। ये कहां की वो है मतलब शराफत। आखिरी चीज जो मैं कहूंगा वो है IMF। IMF के साथ इनका अभी मुआहदा जो है वो खटाई में पड़ा हुआ है। वजह ये है, दो बड़ी वजह हैं। एक वजह ये है कि इन्होंने जो इनको कहा कि भाई हम जो फिस्कल डेफिसिट 4.6% पे लेके आएंगे अपने GDP का, उससे ये तकरीबन 600-700 बिलियन शॉर्ट हैं, क्योंकि इनके रेवेन्यू कम हैं और कम हुए हैं। हालांकि रेवेन्यू 15% ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उनको ज्यादा ग्रो करना था। और इनका जो एक्सपेंस है, और वो एक्सपेंस जो है ज्यादातर इनकी डेट सर्विसिंग का इन्होंने रेट लिया था इन्फ्लेशन का 11.5% अपना डिस्काउंट रेट और इन्फ्लेशन, वो अभी इन्फ्लेशन पहुंच रही है 25 पे और डिस्काउंट रेट 16% पे फिर रहा है। तो वो चीज इनको बिल्कुल वो इनके एक्सपेंसेस बढ़ा रही है। और दूसरी जो इनकी नालायकी है एनर्जी सेक्टर में ये 123 बिलियन रुपए हर महीने शॉर्टफॉल है इनकी, और उसका वो सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है, और उसमें से जो प्रेशर आ रहा है एनर्जी पे। ये दोनों चीजें, ये चीज जो है IMF कह रहा है, इसको आप इसका मुदावा करें। और IMF ये कह रहा है कि ये दो रेट्स नहीं हो सकते एक्सचेंज के, एक रेट 227-228 पे और दूसरा रेट 265 पे है, तो करेंसी को फ्लोट करें, एक रेट बनाए, अदरवाइज तो आपकी ये तिजारत भी नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं चलेगा। मैं चाहूंगा कि मुजम्मिल ने कुछ कहना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शौकत साहब की बात को सिर्फ आगे बढ़ाऊंगा और कुछ बातें जो है इसहाक डार साहब की याद दहानी कराऊंगा। दिसंबर के महीने से उन्होंने कहा था कि 13 अरब डॉलर आ रहे हैं, और फिर उन्होंने 3 हफ्ते का टाइम दिया था और उन्होंने कहा था कि एक दोस्त मुल्क से 3 अरब डॉलर एक आ रहे हैं और 3 अरब डॉलर एक आ रहे हैं। तो जो शौकत साहब ने अभी बात बताई सऊदी अरब और UAE की, वो 1 और 1 अरब डॉलर मिला है। और ये जो हम डोनर्स कॉन्फ्रेंस की थी उसमें जो बराए रास्त जिसे बायलेटरल कहते हैं, जो दो ममालिक से आपको पैसे मिलते हैं, चीन, USA और यूरोपियन यूनियन, ये मिला के आधा अरब डॉलर भी नहीं होते। हमारी जो दिसंबर के महीने की तरसीलात रेमिटेंसेस का नंबर आया है वो 2 अरब डॉलर आया है, मार्च में ये 3 अरब डॉलर था। यानी कि जो हम डोनर्स कॉन्फ्रेंस की बड़ा डंका पीट रहे हैं कि बड़ी कामयाब हुई है, इतने पैसे ओवरसीज पाकिस्तानी 4 दिन में दे देते हैं, 4 दिनों में, और हमने 1 अरब डॉलर महीने का इसमें नुकसान किया। दूसरी बात इसी डोनर्स कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड, इन्होंने कहा जी 10 अरब डॉलर मिले हैं।
हमें तो 8.5 अरब डॉलर अगले 3 महीने में अदा करने हैं, जिसमें यूएई के रूल ओवर हो गए 2 अरब डॉलर, तो 6 अरब डॉलर, 1 अरब डॉलर हमने अदा कर दिया, 5 अरब डॉलर तो अगले 3 महीने में चाहिए हमें, और हमारा जो जर मुबादला के जखायर है वो 4.3 अरब डॉलर सामने हमारे। ये कल स्टेट बैंक के सामने बैठे हुए थे टिम्बर मार्केट वाले, इनके सिर्फ 700 कंटेनर पोर्ट पे पड़े हुए हैं। कल इन्होंने बताया है कि $10,000 का कंटेनर पे $15,000 पोर्ट चार्जेस लग गए डैमरेज और डिटेंशन, तो ये कौन पे करेगा? और ये पे करने के बाद बेवकूफी देखें आप, ये शिपिंग कंपनी को चली जाएगी और वो डॉलर में बाहर भेज देगा। तो ये एक तो जो शौकत साहब ने बात की कि ये दरामदा जो हमारी पोर्ट में फंसी है इसको फौरन क्लियर करें ताकि इससे महंगाई कम हो, क्योंकि अब सारी कीमतें गाड़ियों की हो गई, चाहे केमिकल्स की हो गई, सबकी अगर 100 रुपये कीमत है तो वो शॉर्टेज की वजह से 125 से 150 हो गई है। एक तो महंगाई का बोझ खत्म हो, दूसरा ये बिला वजह के बाहर डॉलर ना जाए, तो ये महंगाई दूसरी चीज आ रही है। तो ओवरऑल मेरा सिर्फ सवाल ये मैं इसहाक डार साहब के लिए छोड़ के जा रहा हूं कि ये जो आपने बुलंदोबाजा दावे किए थे कि हमें जो है जनवरी में इतने अरब डॉलर आ रहे हैं, वो कहां हैं? और ये जो है अभी अगले 3 महीने में हमें 5 अरब डॉलर मजीद और 3 साल में 75 अरब डॉलर देने हैं और आगे सामने से मिला क्या 10 अरब डॉलर, तो ये बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। अगर ये कॉन्फिडेंस रिस्टोर नहीं किया इन्होंने मईशत का, तो मईशत को मैं एक तरह से कहूंगा कि ताला लग जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, आपके 9.7 बिलियन की ये बात कर रहे हैं, उसके बीच में जो मेरे एस्टिमेट हैं वो 8.75 बिलियन जो है ना, मतलब वो तो मल्टीलैटरल्स के हैं और कुछ और जो जो आपके मुल्क हैं उन्होंने भी आपको लोन ही दिए हैं। तो मेरे ख्याल में जो आपके जो सिर्फ ग्रांट्स हैं ना वो अमेरिका से मिलेंगे आपको, जापान भी ग्रांट देता है, अमरीका भी ग्रांट देता है, और कोई मेरे ख्याल में अगर सऊदी अरेबिया वगैरह ने कोई ग्रांट वगैरह दे दी, तो ये ग्रांट्स तो आपकी 300-500 बिलियन से ज्यादा नहीं है, बाकी सारे लोन्स हैं। देखिए जी, बात ये है कि कल आतिफ मियां एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं दुनिया के और वो हमारे पाकिस्तानी हैं, उन्होंने कहा कि आप तो डिफॉल्ट तो कर चुके हैं, लेकिन वो जिसको आप टेक्निकल डिफॉल्ट कहते हैं, क्योंकि जब आपने एलसीएं जो हैं खोल दी और उसके पैसे नहीं दे रहे, जब लोगों की ये टिकटें हैं जो एयरलाइन की हैं उन्होंने खर्च कर दी और आप उनको पैसे नहीं दे रहे, इसी किस्म से, और जिस तरह सी फ्रेट वाली कंपनी आपका सामान लेकर चलेगी आप उसको पैसे नहीं दे रहे, तो आपने अपनी कमिटमेंट्स पे डिफॉल्ट कर दिया, वो एक टेक्निकल डिफॉल्ट। जो दूसरा जो डिफॉल्ट की आप बात कर रहे हैं वो जिसको कहते हैं अपने लोन्स जो हैं उसके ऊपर आपने पेमेंट नहीं की, वो नहीं हुआ, और मैं तो ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि हम उसको डिफॉल्ट उस डिफॉल्ट में जाएं, वो मेरे ख्याल में हम इस वक्त वो नहीं कर रहे, और मुझे यकीन है कि ये और कुछ नहीं तो इम्पोर्ट्स और कम करके उस डिफॉल्ट में नहीं जाएंगे, तो और नहीं ही जाना चाहिए, लेकिन ये कोशिश पूरी कर रहे हैं उस तरफ जाने की, जिस तरह की जो हरकत है इनकी नहीं, मतलब एक किस्म से अनजाने में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा अपना जो आपने सवाल पूछा उसका डायरेक्ट सवाल है कि उस डिफॉल्ट में अभी तक हम नहीं गए और हमें जाना भी नहीं चाहिए। टेक्निकली तो यार आतिफ मियां अगर कह सकता है वो तो प्रिंसटन का प्रोफेसर है यार, मैं तो बिल्कुल आम आदमी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, ये सारी दुनिया हमारे से पूछ रही है पीटीआई से, और कह रही है कि आप तो सारों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, आप तो बताएं आपके पास इस इन मसाइल का हल है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं बिल्कुल हल है, और 2-3 दिन के बीच में हम ये अनवील करेंगे पूरे आपके मीडिया के सामने कि हम क्या कर रहेंगे और क्या हम कर सकते हैं। हम तो इनको भी मशवरा दे देंगे कि भाई ये करो, और सो इसलिए ये नहीं है कि इसमें से हम निकल नहीं सकते, बिल्कुल निकल सकते हैं।
जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मैंने इसलिए आपको अर्ज किया कि अगले इसी जो हफ्ता आ रहा है इसी के दौरान ही हम देंगे और मशवरे देंगे। हालांकि उस वक्त हमारी हुकूमत नहीं होगी, लेकिन हम इस हुकूमत को भी मशवरा देंगे कि ये चीजें ऐसे करें। जी मेरे ख्याल में देखें, ये एक और बहुत बड़ी बात है। मुझे आप बताएं कौन सा पॉलिटिशियन पाकिस्तान में गुजरा है जिसने अपनी हुकूमतों को तहलील कर दिया जबकि उसको जरूरत नहीं थी। और इमरान खान कहता रहा है अभी जब से ये अप्रैल से गया है कि इस पूरी क्राइसिस का जो एक हल है वो ये है, इलेक्शंस करवाएं, फ्रेश मैंडेट लें, और उसके बाद जो एक दफा पॉलिटिकल सर्टेनिटी आ जाए तो आप इकॉनमी को भी स्टेबलाइज करें। उसने वो करके दिखा दिया, उसने दो अपनी जो है आप एक कर दी है और एक इंशाल्लाह चंद दिनों में वो उस केपी को भी तहलील कर देगा। तो उसने तो जिसको कहते हैं ना फ्रंट फुट पे खेल के ये कहा है कि इलेक्शन होने चाहिए और इंशाल्लाह अब इलेक्शन होंगे। जी वो इसलिए है कि देखें आपका इस वक्त जब आप सप्लाई डिमांड को कंट्रोल कर लेते हैं बैंकों के थ्रू, आप बैंक्स को कहते हैं कि भाईजान जितने आपके पास डॉलर आएंगे उतने की आप एलसीआर खोलें, उतना ही खर्च करें, तो वो कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, वो है 228 रुपए, कल का ये रेट था 227 रुपए 95 पैसे के। लेकिन इस वक्त जो मार्केट के बीच में है 265 260 270 पे लोगों को पैसे मिल रहे हैं, वो क्यों? तो वो हवाला है, वो हमारे लिए जहर है। वो इसलिए जहर है कि वो अब वो उसकी वजह से रेमिटेंसेस जो हैं, जो आम आदमी जो वर्कर्स जो हैं वो पैसे भेज रहे हैं, और वो पैसे भेज रहे हैं, लेकिन वो अगर $200 भेजता है और उसको 8,000 रुपया जो है हवाले से ज्यादा मिलता है, वो तो यार वर्कर है ना, वो तो उधर से भेजेगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि ये रेमिटेंसेज नीचे जा रही हैं। ये इसीलिए IMF भी जोर लगा रहा है कि ये दो रेट्स ना होने दें, आप इसको फ्लोट करें। वो कहीं आके रुकेगा, ये जरूरी नहीं है कि 265 पे जाके रुके, हो सकता है उससे पहले भी रुकना शुरू हो जाए। लेकिन 227 जो 228 रेट नहीं है इस वक्त, तो उस पर डॉलर नहीं मिल रहा। देखिए ये वो चीज़ें हैं जिसको देखा जा सकता है। इसके बीच में वो भी हैं कि जो जिसको आप कहते हैं कि फ्रिवलस किस्म की इम्पोर्ट्स, मतलब यह है कि आप ऐसी चीज़ें जो है कि डॉग फूड मंगवा रहे हैं, इस किस्म की चीज़ें मंगवा रहे हैं, तो उसके ऊपर ये देखा जा सकता है कि ये चीज़ें जो हैं ये हमें इसके ऊपर लिमिटेशन लगाई जाएँ या ना लगाई जाएँ। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अभी ये चंद दिन पहले इन्होंने मार्केटों को बंद करना शुरू कर दिया, कभी कहा कि ये आप मतलब एक दिन की और छुट्टी कर देंगे। ये वो चीज है जब आप फंडामेंटल्स को टैकल नहीं करते, फंडामेंटल्स को टैकल नहीं करते और इस किस्म की चीजों के ऊपर आप जब आ जाते हैं तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अवाम का एतमाद जो है और उठ जाता है इस चीज के ऊपर। आप मुझे बताएं ना कि जो पिछले हमारे जो थे जो अदवार था उसमें कितनी हमने जाके इस किस्म की चीजें की नहीं की। हालांकि जब अफगानिस्तान में जो तालिबान आए थे तो आपको पता है एक क्राइसिस आ गया था कि लोग डॉलर जो हैं लाते थे यहां से वो अकाउंट में डाल के और अपनी रेमिटेंसेस करते थे अफगानी। हमने उसको उसकी जो बेसिक जो प्रॉब्लम था उसको टैकल किया। हमने ये नहीं कहा कि जनाब आप इतना फ्रीज हो गया और ये फ्रीज हो गया और वो फ्रीज हो गया, ये नहीं किया। इसलिए मेरा जवाब आपको ये होगा, ये अगर कोई लोग जाते हैं अपना ईदे के तौर पर, ठीक है आप जरूर उसको देते हैं, आप उसकी लिमिटेशंस कर देंगे, एक साल में एक दफा जा सकते हो या नहीं, इस किस्म की चीजें जरूर करें, लेकिन इस पे भरोसा ना करें। ये चीजें जो हैं ये फंडामेंटल्स नहीं है।
कि नहीं देखिए ये तो हर चीज की सप्लाई शॉर्टेजेस होने वाली हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये चीजें आपके पास लोगों का डॉलर ही नहीं है तो अच्छा, अब कंपनियां जो यहां की कंपनियां बंद हो रही वो बंद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यार हमें अभी हमें रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा। अब एक बहुत बड़ा क्राइसिस एक और आ जाएगा, वो ये है कि आपके पास 7 मिलियन बेल्स अभी इस दफा हुई हैं कॉटन की, नहीं मेरे ख्याल में 7 हैं और 16 बिलियन चाहिए, 9 मिलियन बेल्स जो शॉर्ट हैं, 9 मिलियन बेल्स शॉर्ट हैं, वो अगर आप जब लेके आएंगे तो उसके लिए पैसे चाहिए, जब पैसे नहीं होंगे तो आपकी टेक्सटाइल मिल बंद होना शुरू हो जाएंगे, जाहिर है वो तो 7 मिलियन जो आपके पास है उसी पे चलेंगे, और भी दवाइयां हैं, अद्वियात हैं, बाकी चीजें हैं। अब जो लोग कह रहे हैं, जो ओगरा को ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने खत लिखा है कल, उन्होंने कहा जनाब ये तेल की शॉर्टेज हो जाएगी अभी क्योंकि तेल वक्त पे नहीं आ रहा, और ये यही चीज और चीजों में आई, केमिकल्स में आएगी सारे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, यार आपके सामने तो मैं हम बात करें कि जो पिछले साल से, पहले तो ये है कि जो हुंडी हवाला जो है ये काफी हद तक खत्म हो गया था, लेकिन अभी भी हो रहा था, ये आप ना समझें कि आपका जो हुंडी हवाला खत्म हो गया था, जब हम 31 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस पे गए थे, मेरा अपना अंदाजा है कि 8 से 10 बिलियन डॉलर अभी भी हुंडी हवाला से आता था, जो कि हमारी ये ट्रेड वाले जो इस्तेमाल करते हैं ये अंडर इन्वाइसिंग ओवर इन्वाइसिंग वगैरह इसकी। अब उसके बीच में आप देखें कितना फर्क आना शुरू हो गया, जो कि 19% अभी ड्रॉप हो रही है रेमिटेंस, ये सारी हवाले में जा रही है, और अगर 31 की बजाय अभी आज एस्टिमेट किसी ने लगाया कि हमारी इस साल शायद 4 बिलियन शॉर्ट हो जाए, मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल में जो आपकी रेमिटेंसेज है 4 बिलियन से ज्यादा गिरेंगी, जितनी गिरती जा रही है वो हवाले में चली जा रही है।